तो ऑल राइट मूवी की स्टार्टिंग टिपिकल बट अनएक्सपेक्टिंग वे में होती है, जिसमें हम सभी ही एक लेक साइड एरिया पे एक काले कलर की कार के पास जमीन पे मरे पड़े हुए बेसिकली एक टोनी एंड मारिया नाम के कपल को देखते हैं, जो कि वो दोनों ही ऊपर से लेके नीचे तक बिना कपड़ों के नंगे थे, जिनको किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से आपस में इंटीमेट करते वक्त भेरे में से पीट के मारा हुआ होता है, जो कि ये चीज हम सभी ही इनकी कंडीशन से ही अच्छे से देख सकते हैं। आई मीन इन दोनों की ही बॉडी पे हो रही खरोचों से देख सकते हैं। तो खैर अब इससे ही वक्त हम सभी ही टोनी एंड मारिया के कार के अंदर एक अननोन बंदे को देख पाते हैं, जिसने इस कपल को बहरे में से मारा था, जिसका चेहरा हम फिलहाल के लिए नहीं देख सकते बट आगे डेफिनेटली देखेंगे। वो बंदा टोनी एंड मारिया की डेड बॉडीज को नदी किनारे झाड़ियों के पास से नंगा ही पटक उनकी कार को चुरा बिना कुछ सोचे समझे पास में ही बने हुए एक बड़े से केबिन के अंदर चले जाता है, जहाँ पर वो आमतौर पर रिहा करता था, क्योंकि वह केबिन एक तरीके से उसी का ही था जो वो बंदा लोगों को यूजुअली वेकेशन के छुट्टियों को बनाने के लिए ज्यादातर देता था। क्योंकि अगर हम बात करें टोनी एंड मारिया की, तो वह दोनों भी इस जगह पर वेकेशन बनाने के लिए आए हुए थे। बट अब यहाँ पर मेन सवाल ये आता है कि आखिर में उस बंदे ने उस कपल को क्यों और किस लिए मारा था। तो वेल, इस बारे में हम सभी मूवी में आगे चलकर अच्छे से पता करेंगे, क्योंकि ये तो बस इसका इंट्रो ही था जो अभी हमने देखा है। अब दोस्तों, मैंने आप सभी को ही इस सेगमेंट को इसलिए बताया है क्योंकि आगे चलकर यही लेग साइड वाला सीन हम सभी के ही बहुत काम आने वाला है। तो अब सीन सीधा उस कपल के इंसिडेंट से चेंज होकर तकरीबन एक महीने बाद कुछ कॉलेज के रिसेंटली ग्रेजुएट हुए स्टूडेंट्स के ऊपर फोकस होता है, जिन सभी के ही नाम रॉब एंड सुजैन, जो कि आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। इनके ठीक बैक साइड पे बैठे हुए पीटर, एनी एंड कार के पीछे ठीक बैक से आ रहे हैं मार्क एंड सोफी को देखते हैं। वेल, ये सभी ही कॉलेज के स्टूडेंट्स तकरीबन 2 हफ्तों के लिए अपनी इन चल रही समर वेकेशन के छुट्टियों को एक्साइटिंग बनाने के लिए कम्प्लीटली आउटसाइड ऑफ द टाउन एक मैनन नाम के, जो कि बेसिकली एक केबिन का नाम था, उधर जाकर एक लेग पार्टी करने का प्लान बनाते हैं। बट अब यहाँ पर दिक्कत की बात यह थी कि रॉब और उसके बाकी दोस्तों को उन सभी को ही इस सुनसान से इलाके में वह केबिन जहाँ पर इनको जाना था मिली नहीं रहा होता है, क्योंकि पीछे बैठा पीटर, जिसके हाथों में मैप था, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसका कहना था कि उस केबिन को आसपास ही यहाँ पर कहीं फॉर्चुनेटली होना चाहिए था। बट काफी देर तक ड्राइव करने पर भी इनको वह केबिन नहीं मिल रहा था। सो एनीवे, सब ये सभी ही देखते ही देखते थोड़ा सा और आगे जाते ही हैं, तो तभी ही इन सभी को ही ठीक अपने सामने की तरफ एक जैक नाम का बंदा दिखता है, जो कि वो इनसे लिफ्ट मांग रहा था। बिकॉज यहाँ पर शॉकिंगली जैक भी इसी काम से कैंप मैनन के तरफ ही जा रहा था, और उससे भी ज्यादा खास बात यहाँ पर यह थी कि जैक वो कैंप मैनर की तरफ जाने का रास्ता जानता था। तो बस अब इसी ही चीज को देखते हुए रॉब और उसके बाकी सभी ही फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी देखते ही आ रहे हैं कि ये सभी काफी देर से उसी ही केबिन के तरफ ही समहाउ जाने की कोशिश कर रहे थे। तो एग्जैक्टली इसी ही चीज को देखते हुए रॉब और उसके बाकी सभी ही फ्रेंड्स ये जैक को अपने साथ अपनी कार के अंदर बिठा लेते हैं। तो जहाँ पर वो सभी ही जैसे तैसे कैंप फाइनली केबिन मैनन तक पहुँच जाते हैं। अब दोस्तों, अगर आपको पता ना हो तो मैं आपको बता दूं कि मूवी की शुरुआत में हम सभी ने टोनी एंड मारिया नाम के कपल को जिसे लेग साइड की जगह पर मरते हुए देखा था, जहाँ पर किसी अननोन बंदे ने उनको बड़े ही भेरे में से मारा था। तो वो लेग साइड की जगह दरअसल वही जगह होती है जहाँ पर अभी इस समय रॉब और उसके बाकी दोस्त वेकेशन बनाने के लिए कैंप मैनर के अंदर आए हुए होते हैं, जो कि ये सभी ही इस जगह की, जैसा कि हम सभी देख ही सकते हैं, पास्ट हिस्ट्री से बिल्कुल ही अनजान थे, ना जानते हुए कि इस जगह पे पहले किसी का खून वगैरह भी हो चुका था। तो बस अब इसी ही इंटेंशन के साथ सीन अप यहाँ पर सबसे पहले सोफी के ऊपर फोकस करता है, जहाँ पर वह केबिन से बाहर की तरफ मौजूद बेसिकली झाड़ियों की तरफ बने हुए एक पुराने से खंडर से वॉशरूम के अंदर जाकर नॉर्मली टॉयलेट करने के लिए ही आई हुई थी। तो तभी ही उसे ही वक्त हम सभी ही सोफी के ठीक पीछे किसी इंसान को देख पाते हैं, जिसने काले कलर के कपड़े पहन रखे थे, जो कि वो बड़ी ही चालाकी से सोफी के पीछे आ बिना कुछ सोचे समझे एकदम से अपने नाखूनों की मदद से उसके गर्दन को भेरे में से उसके गले के चमड़ी को चीर के फाड़कर मार डालता है। बट बात अभी यहाँ पर ही खत्म नहीं होती। वेल, सोफी कितनी बुरी तरीके से मरती है, केबिन के अंदर मौजूद रॉब, पीटर, जैक, सुजैन, एनी एंड मार्क के ऊपर फोकस होता है, जहाँ पर वो सभी ही हॉलवे के अंदर बैठकर इस क्रिपी जगह के बारे में कुछ बातचीत ही कर रहे थे। तो तभी ही अचानक से एनी एंड पीटर को रियलाइज होता है कि सोफी, जो कि बाहर की तरफ वॉशरूम वाले एरिया की तरफ टॉयलेट करने के लिए गई थी, जिसको अब गए हुए तकरीबन 1 घंटे से भी ज्यादा हो चुका था। तो इसी ही अनसेटलिंग चीज को देखते हुए एनी एंड पीटर ये अपने बाकी
फ्रेंड्स को फिलहाल के लिए इधर ही बैठे रहने के लिए कहते हैं और ये दोनों खुद बाहर जाकर सोफे को ढूंढने के लिए उसी ही झाड़ियों में बने हुए वॉशरूम वाले एरिया की तरफ जाते हैं। तो अब जैसे तैसे केबिन से बाहर आते हैं जिधर आसपास लाइट न होने की वजह से बिल्कुल ही अंधेरा हो रहा था। तो इसी ही चीज को देखते हुए पीटर वो एनी को फिलहाल के लिए केबिन के पास ही खड़ा रहने के लिए कहता है और खुद पास में ही खड़ी अपनी कार के पास जाकर टॉर्च लेने के लिए जाता है ताकि ये दोनों उन झाड़ियों की तरफ जाकर सोफे को ढूंढ सके। बट पीटर वो जैसे ही अपनी कार के पास ही आता है तो तभी ही अचानक से पीछे की तरफ से सैम वही बंदा आता है जिसने काले कलर के कपड़े पहन रखे थे, जिसने अभी थोड़ी ही देर पहले बहुत ही बुरी तरीके से सोफे को मारा था। वो आदमी बड़े ही चालाकी से पीटर के मुंह को कस के पकड़ ताकि इसके चिल्लाने की आवाज को कुछ सुन न सके, बिना कुछ सोचे समझे सीधे इसके सर के अंदर अपने दूसरे हाथ में पकड़े हुए एक बड़े से चक्कू को पीटर के सर के एकदम बीचो बीच घुसा, गले से चिरते हुए बाहर निकाल फाड़ कर सर के दो टुकड़े कर बहरे में से मार डालता है और सीधा उसकी डेड बॉडी को घिसड़ कर झाड़ियों के अंदर कहीं फेंक देता है। तो अब पीटर कितनी बुरी तरीके से मरती है। केबिन साइड के तरफ ही खड़ी एनी जो कि पीटर की मौत से बिल्कुल ही अनजान थी, ये पीटर को काफी देर से टॉर्च के लिए ऐसे जाता हुआ थे अंदर से फ्रस्ट्रेट होते हुए खुद अकेले ही अपन झाड़ियों की तरफ जाकर सोफे को ढूंढने के लिए ही जाती तो तभी ही उससे पहले हम सभी ही एक बार फिर से उसी ही काले कपड़े पहने हुए इंसान को देख पाते हैं जो कि अभी बहरे में से पीटर को मार के आ रहा था। वह कृपी बंदा अपने हाथों में पकड़े हुए चक्कू की मदद से अचानक से पीछे की तरफ से एनी के पास आ इसको भी सैम सोफे की तरह ही एक ही झटके में इसके गले को काट कर बहरे में से मार डालता है और उसकी डेड बॉडी को उठाकर पास में ही बने हुए एक बड़े से कीचड़ के गड्ढे के अंदर फेंक देता है ताकि उसकी लाश को कोई देख न ले। तो समहाउ अब पीटर एनी और सोफी कैसे मरते हैं सीन अब डायरेक्टली केबिन के अंदर बैठे हुए रॉब के ऊपर फोकस करता है जहाँ पर ये एनी एंड पीटर को इतनी देर से सोफी के लिए जाता हुआ देख जिनको अब गए हुए सीरियसली दो घंटे से भी ज्यादा हो चुके थे। तो इसी ही बात को देखते हुए रॉब ये अपने ठीक सामने सो रहे मार्क एंड सुजैन को बिना उनको इस बारे में बताए खुद अकेला ही बाहर जाकर पीटर सोफी एंड एनी को ढूंढने के लिए चले जाता है। तो अब जहाँ पर केबिन से बाहर आते ही रॉब अपने दोस्तों को आसपास के एरिया में ही ढूंढ रहा था बट काफी देर तक ऐसे ही घूमते हुए अनफॉर्चुनेटली रॉब को अपना एक भी फ्रेंड ढूंढने पर भी नहीं मिलता और इसका रीजन क्या है तो वह हम सभी को पता है। तो बस अब रॉब वो जैसे तैसे फिर से घूमकर अपने केबिन के अंदर ही आता है तो तभी ही इसको ठीक अपने सामने की तरफ सीढ़ियों पे एक होश उड़ा देने वाला सीन देखने को मिलता है कि जैकी किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से गर्दन हाथ पैर और गले को बहरे में से एक चक्कू से काट दिया होता है और वो सीधे लंगड़ाते हुए सीढ़ियों से नीचे गिर के मर जाता है। तो अब अपनी आंखों के ठीक सामने जैक को ऐसे मरता हुआ थे रॉब वो ऊपर ही सो रहे मार्क एंड सुजन के पास जाकर उनको इस वियर्ड इंसिडेंट के बारे में बताने के लिए ही जाता तो तभी ही उससे पहले इन सीढ़ियों के ठीक पीछे की तरफ से हम एक बार फिर से उस काले कपड़े पहने हुए बंदे को देख पाते हैं जिसका चेहरा हम स्टिल अभी तक नहीं देख सकते बट अभी कुछ ही देर में देखेंगे। वो एकदम से पीछे की तरफ से कस के रॉब के मुंह को पकड़ बिना कुछ सोचे समझे उसे ही चक्कू की मदद से रॉब की छाती के अंदर घोप बुरी तरीके से फाड़ कर अंदर की सारी हड्डियों को तोड़ मरोड़ कर ब्रूटल तरीके से मार डालता है। तो अब रॉब के भी ऐसे मरते ही सीन अब डायरेक्टली इस मूवी के एंडिंग के तरफ फोकस होता है जहाँ पर अब सीन लास्ट एंड फाइनल बार मार्क एंड सुजैन के ऊपर फोकस होता है। सुजैन जिसके अचानक से सोते सोते बस नींद ही खुलती है तो तभी ही वो सरप्राइजली अपने आसपास अपने एक भी फ्रेंड को नहीं देख पाती जो कि सोने से पहले इसके पास में ही बैठे हुए थे सिवाय मार्क के जो अभी भी इसके बगल में सो रहा था। तो अब इसे बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टिंग सीन को देख सुजैन ये इमीडिएटली मार्क को उठा तुरंत इसको अपने सभी ही दोस्तों को ने के लिए कहती है जो कि अचानक से ही आउट ऑफ नोवेयर एकदम से ही इन दोनों को बिना कुछ बताए बाहर कहीं चले गए थे। तो बस अब मार्क एंड सुजैन ये दोनों मिलकर केबिन के बाहर जाकर अपने दोस्तों को ही ढूंढते तो तभी ही उससे पहले हम सभी ही झाड़ियों की तरफ से उसे ही ब्लैक कलर की कार को आता हुआ देख पाते हैं जिसे हम सभी ने ही मूवी के स्टार्टिंग में टोनी एंड मारिया के टाइम पे देखा था। तो बस अब उस कार के अंदर बैठा वही कृपी बंदा जिसने अभी तक पीटर एली सोफी जैक एंड रॉब को मारा था तो बस सेम वैसे ही वो बंदा बिना कुछ सोचे समझे मार्क एंड सुजैन को ठीक कार से टक्कर मार बहरे में से कुचल के मार डालता है और फिर से घूमकर अपने केबिन के अंदर चले जाता है। और बस इसी के ही साथ हमारी ये मूवी उन सभी ही कॉलेज के स्टूडेंट्स के एक एक कर बहरे में से बुरी तरीके से मरती ही ठीक इधर ही एंड हो जाती है। वेल अब हम सभी ही बात करें कि आखिर में वो क्रीपी किलर था कौन जिसने उन सभी ही बच्चों को बिना किसी रीजन के आखिर में इतनी बहरेमी से मारा है। तो वो बंदा कोई आदमी न होकर बल्कि एक फुटे आंख वाली औरत होती है जिसका नाम लिसा था जो कि थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब थी बिकॉज ये एक काइंड ऑफ सडास्टिक किलर थी जो कि पिछले 50 साल से उसी ही केबिन के अंदर रिहा करती थी।
जो वो हर साल अपने इस केबिन को ऐसे वेकेशन के तौर पर बड़े ही कम पैसों में कॉलेज के स्टूडेंट्स को छुट्टियां बनाने के लिए उनको दिया करती थी। तो जहाँ पर वो बच्चे अपनी मर्जी से उसके केबिन में आ तो जाते थे, बट जाते अपनी मर्जी से बिल्कुल भी नहीं थे। और उसके दो नमूने हम सभी नहीं मूवी की स्टार्टिंग टोनी एंड मारिया और फिर रॉब और उसके दोस्तों से देखा है, क्योंकि जैसा कि हम सभी देखते ही आ रहे हैं कि लिसा अपने हर विक्टिम को बड़े ही चालाकी से बिना किसी के भनक पड़े बहुत ही आसानी से मारती थी, जो कि एक सीरियल किलर की निशानी थी। बाकी फिर इस मूवी की स्टोरी और इसका प्लॉट को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था नहीं, जो समझ में न आए। तो वेल दोस्तों, यही थी डेडली मैनर की एक्सप्लेनेशन, एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाले वीडियो में ऐसे ही और मूवीज की एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर and peace out.